महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव धधक रहा है। जो चिंगारी 1 जनवरी को भड़की वो पुणे से शुरू होकर मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों तक फैल चुकी है। लेकिन इस पूरी हिंसा और इसके मायने समझने के लिए 200 साल पीछे जाना होगा, इतिहास की गठरी को टटोलना होगा। महाराष्ट्र के कोरेगांव में एक दलित जाति है महार। कहा जाता है कि उस वक्त पेशवाओं यानी ब्राह्मणों ने महारों के खिलाफ एक मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसलिए ताकि चलते वक्त उनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका या कोई दूसरा बर्तन इसलिए ताकि उनका थूक तक जमीन पर ना गिरे। उस जमाने में यूं भी पूरे देश में दलितों के साथ बेहद बुरा बर्ताव आम बात थी। उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में पांव पसार रही थी। अंग्रेज महाराष्ट्र के उस हिस्से को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे। वो पहले ही पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ राजाओं से संधि कर चुके थे। अब उनका मकसद बाजीराव द्वितीय को काबू करना था। अंग्रेजों को महारों की शक्ल में वो सैनिक भी मिल गए जो पेशवाओं या कहें कि मराठों से पूरी तरह लोहा लेने को तैयार थे। युद्ध का वो दिन भी आ गया। 1 जनवरी 1818, भीमा नदी के किनारे कोरेगांव का मैदान, पुणे से 40 किलोमीटर दूर। बाजीराव ने तय किया कि पुणे पर हमला करने के लिए 5000 सैनिक भेजे जाएंगे। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अंग्रेजों के पास सिर्फ 800 सैनिक हैं, तो बाजीराव ने फैसला पलट दिया। उसने 3 इन्फेंट्री यानी पैदल टुकड़ियां रवाना की। अंग्रेजी सेनापति कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में कोरेगांव एक भीषण युद्ध का गवाह बना। ब्रिटिश सेना में शामिल थे बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 जवान, जिनमें ज्यादातर महार थे। सामने थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की 2500 सैनिकों वाली सेना। कई बार यह भी कहा जाता है कि पेशवा की सेना में तो 25000 सैनिक थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कम सैनिकों वाली सेना ने पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए। संख्या बल महज संख्या बल रह गया। करीब 12 घंटे चले युद्ध के बाद पेशवा सेना को कदम पीछे खींचने पड़े। इस जंग को महार सैनिकों की जाबाजी और युद्ध कौशल के लिए भी याद रखा जाता है। इतिहासकार और दलित चिंतक मानते हैं कि ये दलितों के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। ये उन पेशवाओं पर जीत का प्रतीक बन गई जिन्होंने बरसों तक महारों को दबा कर रखा था। ब्रिटिश कंपनी ने अपने सैनिकों की याद में कोरेगांव में एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसमें युद्ध में शहीद हुए 49 सैनिकों के नाम भी उकेरे गए, जिनमें 22 महार जाति के थे। ये दलितों की जीत और पेशवाओं के खिलाफ बगावत का बड़ा प्रतीक बन गया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जय स्तंभ के दर्शन किए। तब से 1 जनवरी जैसे दलितों के लिए उत्सव का दिन बन गया। साल दर साल देश के तमाम हिस्सों से दलित समाज के लोग कोरेगांव पहुंचने लगे और जय स्तंभ पर अपने नायकों को नमन करने लगे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले भारतीय सेना की पूना हॉर्स रेजिमेंट ने 1965 और 1971 में शहीद हुए जवानों के नाम की पट्टी यानी रोल ऑफ ऑनर भी इस स्तंभ पर लगा दिए थे। इस साल कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरे होने के जश्न से पहले इस रोल ऑफ ऑनर को हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर संदेश फैलने लगे। कहा जाने लगा कि ये दलित स्मारक पर कब्जा जमाने की कोशिश है। और फिर आया 1 जनवरी 2018, जब मराठों ने दलितों के इस जश्न को रोकने की कोशिश की और ये विवाद हिंसा की शक्ल में सड़कों पर आ गया। आज हिंसा की ये आग महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों तक पहुंच चुकी है।